पर उत्तर प्रदेश कानपुर से अपर नगर मजिस्ट्रेट प्रथम सहायक रिटर्निंग अफसर 2015 विधानसभा क्षेत्र किदवाई नगर राजेश कुमार ने आगामी लोकसभा समान निर्वाचन 2024 में जनपद मतदान प्रतिशत बढ़ाए जाने के क्रम में अपनी विधानसभा किदवाई नगर के उस्मानपुर कॉलोनी बूथ संख्या 102 की सबसे अधिक उम्र की मतदाता शोभा रानी उम्र 96 वर्ष, प्रयाग नारायण श्रीवास्तव उम्र 83 वर्ष व रामकृष्ण पांडे उन 72 वर्ष के घर जाकर मतदाताओं को पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया तथा आगामी 13 मई 2024 को मतदान करना है तो निमंत्रण पत्र देकर मतदान करना है तो आग्रह किया। निमंत्रण पत्र में घर के मुखिया के साथ परिवार के सभी सदस्यों, मतदाता का विवरण व किस बूथ संख्या पर उनका नाम दर्ज है उसका विवरण अंकित था और उसमें सहायक रिटर्निंग अफसर के हस्ताक्षर थे। सहायक रिटर्निंग अफसर राजेश कुमार ने बताया कि आगामी लोकसभा समान निर्वाचन 2024 में 13 मई 2024 को जनपद में मतदान होना नियत है। भारत निर्वाचन आयोग व जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार जनपद में मतदान प्रतिशत बढ़ाया जाना है तो ये कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा, मेरे मन में ये विचार आया कि यदि मतदाताओं से व्यक्तिगत रूप से मिलकर उनको निमंत्रण पत्र देकर यदि उनसे मतदान करना है तो आग्रह किया जाए तो निश्चित तौर पर इसका प्रभाव मतदान प्रतिशत पर पड़ेगा। इसी क्रम में 2015 किदवाई नगर विधानसभा क्षेत्र में ये कार्य प्रारंभ किया गया। BLO अपने संबंधित क्षेत्र के मतदाताओं के घर जाकर निमंत्रण पत्र दे रहे तथा 50% से कम मतदान वाले बूथों को चिन्हित कर 62 अधिकारियों द्वारा सबसे अधिक उम्र के बूथ के मतदाताओं से मिलकर उनका सम्मान किया जाएगा तथा निमंत्रण पत्र देकर मतदान करने हेतु आग्रह किया जाएगा। पांडे जी, ये जो पहल है, अभी निमंत्रण पत्र आपको मिला है, कैसा लगा आपको? बहुत ही अच्छा लगा सर जी, और ये बहुत ही अच्छी पहल है। हमें उम्मीद है कि इससे वोट प्रतिशत भी बढ़ेगा और बढ़ना चाहिए। मैं अवश्य जाऊंगा, पूरे परिवार से जाऊंगा, पास पड़ोस वालों को भी प्रेरित करूंगा इसके लिए कि आप लोग भी चलिए। ये तो भारतीय संस्कृति के अनुरूप ही है कि हम लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपने मतदाताओं को व्यक्तिगत रूप से निमंत्रण दें और हम इसीलिए घर घर जा रहे हैं। आज हमारे 62 अधिकारी 62 बूथों पर स्वयं जा करके अपने हाथों से निमंत्रण पत्र दे रहे हैं और जैसे आपने देखा कि जो हमारे वरिष्ठ मतदाता हैं उनको निमंत्रण पत्र दे करके अभियान की शुरुआत की जा रही है और सम्मान स्वरूप उनको माला पहना करके या उनका कुछ दे करके भी उनको सम्मानित किया जा रहा है। ये जो पहल है, ये आपके दिमाग में कैसे और क्या लगता है वोटिंग प्रतिशत बढ़ेगा? इस पहल का जनक जो है कानपुरी है और कानपुर के सजग मतदाता है। इन्हीं लोगों से मुझे प्रेरणा मिली तो मुझे व्यक्तिगत रूप से इनके साथ जुड़ना चाहिए। बस कानपुर के लोगों को ही इसका श्रेय दिया जाएगा। क्या नाम है आपका? प्रयाग नारायण श्रीवास्तव। कैसा लगा इस बार वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए खुद ACM सर आपके पास आए और निमंत्रण पत्र दिया? ये बहुत गर्व की बात है, बहुत खुशी की बात है। इस साल जो चुनाव होने जा रहा है वो बहुत बेहतरीन चुनाव होगा और इसमें बहुत भारी सफलता मिलेगी। निमंत्रण पत्र देने की जो पहल है, ये आपको कैसी? ये बहुत अच्छी पहल है, ये पहल बड़ी सराहनीय है और बड़े गौरव की बात है कि इस तरीके के कार्य को जो है अग्रसारित किया गया है। बहुत वोटिंग प्रतिशत बढ़ेगा इससे? हाँ बिल्कुल बढ़ेगा। आप जाएंगे वोट देने? अरे हम तो जाते ही हैं, वैसे भी जाएंगे। हमारी उम्र जो है इस समय 83 वर्ष की है, वरिष्ठ नागरिक हूँ, सबके साथ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल जाऊँगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।